हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 और अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं अभिषेक कुमार जैन, फैकल्टी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स 2020 का एक होलिस्टिक एनालिसिस विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सब का सटीक एनालिसिस विद गवर्नमेंट वेबसाइट्स, विद ऑफिशियल न्यूज़पेपर्स, जितनी भी मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स है वहां से प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो एक बार सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि इस सेशन का मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट आप सभी लोग उठा सके। सो मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू, फटाफट से शेयर कीजिए ताकि सब लोग बेसिकली सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट यहां पर ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एडिशन से। सबसे पहले अनअकैडमी, जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, जितनी भी क्लासेस होती है सारी की सारी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपको मिलेगी और सभी चीजों का अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ पर मिलता रहेगा। एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए, ठीक है, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वाईफाई स्टडी के माध्यम से आप सारी चीजों का इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या बेसिकली अदर एग्जाम, चाहे एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवेज है, स्टेनो है, जितने भी एग्जाम्स है, उन सबके लिए करंट अफेयर्स का होलिस्टिक एनालिसिस यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप काफी सारे बैचेज यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है AKJ10, जिसको आप यूज कर सकते हैं अनअकैडमी की किसी भी कैटेगरी के सब्सक्रिप्शन के लिए। आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, साथ में मेरी मेंटरशिप अवेलेबल रहेगी। तो सब लोग बेसिकली शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग इसका फायदा ले सके। काफी सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सबका डिस्कशन यहाँ पर करूंगा। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। मिशन कर्मयोगी इज रिलेटेड टू, काफी चर्चा में रहा था, क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका मिशन कर्म योगी है ये किससे संबंधित है। ऑप्शन आप लोगों के सामने गिवन है, सब लोगों को आंसर करना है, ध्यान रखना, सब लोगों को आंसर करना है। पहला स्टेटमेंट है सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, सिविल सेवा क्षमता निर्माण। सेकंड, फॉर मैनुअल स्केवेंजर्स, ये मैनुअल स्केवेंजर्स वो लोग होते हैं जो आपके सेप्टिक टैंक्स वगैरह को साफ करते हैं, ठीक है, मैनुअल बेसिकली अपने हाथों से सारी चीजें सफाई करते हैं और इसको एंड करने के लिए काफी सारे अभियान, काफी सारे अधिनियम बनाए गए हैं। थर्ड आपका, फॉर वर्कर्स अंडर एनजीनरेगा, तो मनरेगा के तहत जो श्रमिक हैं उनके लिए। और लास्ट में है नन ऑफ द अबव, सब लोगों को आंसर करने का ट्राई करना है, सब लोग शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग यहाँ पर बेनिफिट ले सके। ट्राई कीजिए सब लोग आंसर करने का, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है, इसका आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर, सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। यह मिशन हमारी सरकार के द्वारा चालू किया गया था, इसके बारे में आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं यहाँ पर। आप देखोगे ये बेसिकली, आप देखोगे जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, जो हमारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है, जो कार्मिक मंत्रालय के तहत आता है, उसके द्वारा मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई और इसके माध्यम से जो सिविल सर्वेंट है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, क्षमता का निर्माण किया जाएगा। अब आप बोलोगे सर क्षमता निर्माण का मतलब क्या होता है, क्षमता निर्माण का मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनको और ज्यादा रचनात्मक, क्रिएटिव बनाया जा सके, और भी ज्यादा इनोवेटिव, नवाचार उनमें भरा जा सके, प्रोफेशनल बनाया जा सके, एनर्जेटिक बनाया जा सके, ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया जा सके, ताकि टेक्नोलॉजी का वो इजीली यहाँ पर यूटिलाइज कर सके। तो ध्यान रखना 510 करोड़ रुपए इस पर बेसिकली आवंटित किया गया है, अगले 5 सालों तक ये मिशन वर्क करेगा, 2020-21 से लेकर 2024-25 तक का यह मिशन होगा, जो लगभग 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को कवर करेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, सब लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, सुनील, नीतू, अवजीत, गुलशन, गजानंद, आईडी, ठीक है, एमडी, दिव्या, शिवमान, शिवम, गुड़िया, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट है, डीएलपी, शक्ति, आलोक, ठीक है, आप सभी लोगों का स्वागत है। फटाफट से शेयर करते जाइए, हर एक डिटेल यहाँ पर आपको अवेलेबल होगी, जो भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। मिशन कर्मयोगी पहली चीज किससे रिलेटेड है, सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए। दूसरा, कितना बजट है, लगभग 510 करोड़ रुपए का, कितने सालों के लिए है, अगले 5 सालों के लिए, 2020-21 से 2024-25 के लिए। कितने लोगों को कवर करेगा, लगभग 46 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कवर करेगा। कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा, नवाचार
बढ़ाएगा, एनर्जी भरेगा, तकनीक से फ्रेंडली बनाएगा ताकि इजीली टेक्नोलॉजीज का वो यूज कर सके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपकी रूल आधारित पद्धति से हम कहां पर जाएंगे, रोल आधारित पद्धति पर। मतलब बेसिकली हर एक सिविल सर्वेंट का अपना रोल होगा, अपना एक बेसिकली उसको अपना कर्तव्य वहन अच्छे से करना होगा। ऑन साइट लर्निंग को प्रायिकता दी जाएगी, मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग पर बल दिया जाएगा। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, ध्यान रखना मिनिस्ट्री भी पूछी जा सकती है। आपका जो कार्मिक मंत्रालय है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, ठीक है, क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, उसके अंदर ये मिशन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांसेस है, ध्यान रखना। प्रज्ञाता गाइडलाइंस, क्या नाम है आपका, प्रज्ञाता, प्रज्ञाता गाइडलाइंस किससे संबंधित है, जो प्रज्ञाता प्रगति नहीं है, ये आपका प्रज्ञाता, यहाँ पर आप बोलोगे प्रज्ञाता गाइडलाइंस किसके द्वारा जारी किए गए हैं या किससे संबंधित है। पहला डिजिटल शिक्षा को लेकर, सेकंड जो बेसिकली मार्स मिशन को लेकर, थर्ड आपका बैंक्स को लेकर, और डी आपका नन ऑफ द अबव। फटाफट से आंसर कीजिए, प्रज्ञाता गाइडलाइंस किससे रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है और कोविड के दौरान तो काफी ज्यादा पॉपुलर रही है, इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना जो आपकी मिनिस्ट्री है एजुकेशन वाली, क्या नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसके द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किए गए थे और किससे संबंधित है, डिजिटल एजुकेशन से संबंधित है। इसके बारे में देखिए सब लोग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इस मिनिस्ट्री का नाम क्या हुआ करता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अभी इसको क्या बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आपको पता होना चाहिए नई शिक्षा नीति के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, आपका शिक्षा मंत्रालय, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखना जो प्रज्ञाता गाइडलाइन है, इसमें पी का मतलब क्या है, प्लान, हर एक वर्ड का मतलब है, पी का मतलब प्लान, आर का मतलब रिव्यू, ए का मतलब अरेंज, जी का मतलब गाइड, वाई का मतलब याक या टोक, बातचीत करना, ए का मतलब असाइन करना, टी का मतलब ट्रैक करना, और ए का मतलब अप्रिशिएट करना। अब आप बोलोगे सर ये सारी चीजें क्या है, ये सब गाइडलाइंस है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की गई थी कि जब भी डिजिटल एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन आज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको समय समय पर असेस करना जरूरी है, क्या प्लान होगा, समय समय पर उसको रिव्यू करो, किस प्रकार से बेसिकली बच्चों से बात करो, मेंटल हेल्थ को लेकर बात करो, उनकी परफॉर्मेंस को लगातार ट्रैक किया जाए, उनको अप्रिशिएशन दिया जाए, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिख लेना प्रज्ञाता गाइडलाइंस के बारे में, ये बेसिकली डिजिटल एजुकेशन पर है जो किसकी सहायता करेगी, आपके जो स्कूल के हेड्स है, टीचर्स है, पेरेंट्स है और स्टूडेंट्स है, ताकि उनको इजिली ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड करवाई जा सके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं, ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो प्रज्ञाता गाइडलाइंस डिजिटल एजुकेशन पर है, 8 स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देखोगे प्रज्ञाता के अंदर जितने वर्ड है, पी आर ए जी वाई ए टी ए, कितने हो गए, टोटल 8 वर्ड है। तो 8 स्टेप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिनके माध्यम से पूरी की पूरी ऑनलाइन एजुकेशन को ट्रैक किया जाएगा, असेस किया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए सब लोग, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता हूँ, काफी सारी गाइडलाइंस हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा प्रोवाइड की गई, जैसे जो आपके छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे नहीं है कि 2-2 घंटे के सेशन चल रहे हैं, ठीक है, जस्ट आप देखोगे जो प्री प्राइमरी स्टूडेंट है उनका सेशन 30 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, ऐसा नहीं है 1-1, 2-2 घंटे के सेशन चलाए जा रहे, 30 मिनट का सेशन होगा, उसमें बेसिकली पेरेंट्स भी उनके साथ बैठेंगे। ठीक है, क्लास 1-8 के लिए 2 सेशन होंगे, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के 30-45 मिनट का एक सेशन आपको देखने को मिलेगा। 9-12 वाले क्लासेस के 4 सेशन से ज्यादा नहीं होंगे, 30-45 मिनट का एक ऑनलाइन सेशन रहेगा। तो ये सारी की सारी गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई थी और बेसिकली एक सेशन के बाद दूसरे सेशन में कम से कम 10-15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, ऐसा नहीं है पहला सेशन 45 मिनट का फिर दूसरा 45 मिनट का, नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन में आपको ब्रेक देना होगा, आपको रिलैक्स करने के लिए, आपकी आईज को भी रिलैक्सेशन चाहिए, आपके माइंड को भी रिलैक्सेशन यहाँ पर चाहिए, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसको बोलते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की रैंक क्या है, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2020 में भारत की रैंक क्या है, 52nd, 102, 48 और 50, सब लोग आंसर कीजिएगा फटाफट से, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखना इस सेशन के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, बस सभी लोगों को शेयर करते रहिए, डेली आपको सारा का सारा करंट अफेयर्स का बहुत ही एनालिटिकल तरीके से रिवीजन करवाऊंगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 48, सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में देखते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं, निकालता कौन है, ठीक है, भारत की रैंक क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भारत की रैंक में
चार स्थानों का इजाफा देखने को मिला है। इससे पहले भारत की रैंक 52nd थी, अभी भारत की रैंक है 48th। ठीक है, पहली बार आप देखोगे भारत की रैंक चार प्लेसेस एक साथ ऊपर आई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ क्या है, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के अंदर भारत टॉप पर है। ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड के अंदर तो भारत 48 पोजीशन पर है, लेकिन मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में बात करूं तो भारत नंबर वन है। किसको लेकर? वैश्विक नवाचार को लेकर, मतलब भारत नवाचार को काफी ज्यादा प्रोत्साहन दे रहा है। और ध्यान रखना, ये इस इंडेक्स का 13वां संस्करण प्रकाशित किया गया था, और ये इंडेक्स निकाली जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विपो के नाम से जाना जाता है। इसके साथ कुछ सहयोगी भी है, जैसे कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल। बट कम से कम आपको ये पता होना चाहिए, इसको निकालने का मेन जिम्मा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के पास, जिसको विपो नाम से जाना जाता है। सब लोग नोट डाउन कर लेना, 13वां संस्करण 2020 में, भारत की रैंक है 48th, लेकिन अगर मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में बात करूं तो भारत नंबर वन प्लेस पर रहा है। आप देख सकते हो अलग अलग रीजन वाइज रैंक, आप देखोगे तो नीचे देखिए, सेंट्रल और सदर्न एशिया के अंदर भारत की रैंक रही है फर्स्ट पे, सबसे फर्स्ट पे इंडिया है, सेकंड पे ईरान है, थर्ड पे कजाकिस्तान है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर टॉप पर आए यूएसए, यूरोप के अंदर टॉप पर आए स्विट्जरलैंड। लेकिन आपको सारी चीजें याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ भारत का पर्सपेक्टिव याद रखना है। ठीक है, आपको सिर्फ भारत का पर्सपेक्टिव याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, भारत की रैंक 48। क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, सब लोग बेसिकली शेयर करते रहिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है चाहबार रेल परियोजना किसके द्वारा विकसित की जा रही है। चाहबार रेल प्रोजेक्ट इज बिंग डेवलप्ड इन, कहां पर ये बन रहा है? इराक के अंदर, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर, कतर के अंदर और ईरान के अंदर। काफी फेमस है, आप सब लोगों ने चाहबार पोर्ट का नाम सुना होगा, जो बेसिकली भारत के सहयोग से डेवलप हुआ था। तो आपको बताना है, इस पोर्ट के बाद आपको एक रेल परियोजना भी देखने को मिलेगी जो काफी इंपॉर्टेंट है। सभी लोग शेयर कीजिए, ठीक है, सब लोग शेयर कीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहबार रेल प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, और बेसिकली जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, अगर आप में जज्बा है टॉपर बनने का, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिकली जुड़ जाइए, आपको बेसिकली एक अच्छी राह जहां से आप बेसिकली इजिली टॉपर बन सकते हैं। 2021 वैसे ही नई पॉसिबिलिटीज लेकर आया है, साल के पहले दिन ही हमारी वैक्सीन को अप्रूवल मिल गई है, कोविशील्ड वैक्सीन को अप्रूवल मिल गई है। थोड़ा सा लास्ट में कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में भी डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले इसका आंसर होगा डी इज द ईरान, ईरान इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप देखोगे चाहबार रेल परियोजना के बारे में, ईरान ने बेसिकली जो आप देखोगे ईरान का जो प्रोजेक्ट है, जो आपका रेलवे लाइन वाला चाहबार पोर्ट से किस किस को जोड़ने का पार्ट है, कि किस प्रकार से जो हमारा चाहबार रेल चाहबार वाला पार्ट है उसको किस प्रकार से ईरान के माध्यम से सेंट्रल एशिया तक जोड़ा जाए। तो इसके बारे में एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये है हमारा चाहबार पोर्ट, ठीक है, जो कहां पर है? ईरान के अंदर। ठीक है, भारत के माध्यम से अपन ने इसको कनेक्टिविटी दी है, और यही पर बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो पाकिस्तान के अंदर है, ग्वादर। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट किसके अंडर में है? आपका चाइना के अंडर में। ध्यान रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा ग्वादर पोर्ट जो बेसिकली पाकिस्तान में स्थित है, इसको किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? आपका आंसर आएगा चीन के द्वारा विकसित किया जा रहा है। उसी तरह जो आपका बेसिकली ईरान के अंदर चाहबार पोर्ट है, उसको किसके द्वारा डेवलप किया गया? भारत के द्वारा डेवलप किया गया। अब आप देखोगे इस चाहबार पोर्ट के माध्यम से अपन को अफगानिस्तान को और बेसिकली फाइनली मध्य एशिया वाले पार्ट को लिंक करना है। तो आप देखोगे यहां पर रोड आपको देखने को मिलेगा, चाहबार के बाद बेसिकली ये वाला जो पार्ट है जिसको बोलते हैं चाहबार जहादान रेल लिंक, ये बेसिकली बनाया जा रहा है। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इतना सा, जो मैंने आपको रेड कलर में दिखाया है, ये आपका रेलवे लाइन की परियोजना है। ये किसको जोड़ेगी? ये बेसिकली आपके अफगानिस्तान वाले पार्ट को कनेक्ट करेगी। अब बेसिकली भारत को पाकिस्तान होकर अफगानिस्तान नहीं जाना पड़ता, भारत बेसिकली ईरान के रास्ते डायरेक्टली अफगानिस्तान, डायरेक्टली सेंट्रल एशिया और डायरेक्टली यूरोप के अंदर जा सकता है। मतलब पाकिस्तान को पूरा सा पूरा बाईपास यहाँ पर कर सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस डेफिनेटली इंडिया ईरान अफगानिस्तान, बिल्कुल सही आंसर दिया गुप्ता जी ने, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। सब लोगों को सारी चीजें समझ आ रही है तो शेयर कर दीजिए। ध्यान रखना, पूरी चीजें मैपिंग के माध्यम से दिखाऊंगा, और यहां पर अफगानिस्तान के अंदर भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट है। आपने नाम सुना होगा इंडो अफगान फ्रेंडशिप डैम, जिसको सलमा डैम के नाम से भी जाना जाता है, इंडो अफगान फ्रेंडशिप डैम। ये भी किसने बनाया है? भारत ने बनाया है, इसको सलमा डैम के नाम से भी जाना जाता है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। उसके अलावा अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी किसने बनाई है? भारत ने बनाई है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों से
पूछे जा सकते हैं, तो शेयर करते रहिएगा और बेसिकली सीखते रहिएगा, लिखते रहिएगा, सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे के सारे नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, उसके लिए बेसिकली आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो अभिषेक जैन सर पर, जहां पर सारी क्लासेस की अपडेट्स भी मिल जाएगी और सारे नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ये यहाँ पर आप टेलीग्राम पर जाओगे, इस नाम से सर्च कीजिएगा, मेरी प्रोफाइल पे आपको दिख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हिंट दे देता हूं, ये क्वेश्चन स्टार्स प्रोग्राम्स को लेकर है। इस क्वेश्चन पर हिंट दे देता हूं, ये क्वेश्चन आपका स्टार्स प्रोग्राम को लेकर है, उसी की फुल फॉर्म लिखी हुई है, स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। ये फुल फॉर्म किसकी है? आपकी स्टार्स प्रोग्राम की फुल फॉर्म है। स्टार्स प्रोग्राम बेसिकली भारत के कौन कौन से राज्यों में अप्रूव किया गया, कितने राज्यों में अप्रूव किया गया? स्टार्स प्रोग्राम जो बेसिकली किसके लिए बनाया गया था, आपकी क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए। तो कितने राज्यों में टीचर टीचिंग लर्निंग और परिणाम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया? ऑप्शन आप लोगों के सामने है 8, 6, 24 और 20। ठीक है, यहाँ पर हर्ष ने पूछा है सर मेरी जीके बहुत वीक है, कौन से बुक से पढ़ू? देखो आपको जीके पढ़ने के लिए बहुत सारे ढेर सारी बुक्स है, बट यहाँ पर करंट अफेयर्स का पार्ट अभी हम करेंगे, हर सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग बुक रेफर करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप किसकी तैयारी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अदरवाइज जनरल बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत आती है, काफी अच्छी बुक आती है, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग बुक है। इसके लिए भी एक पर्टिकुलर सेशन लेकर आऊंगा ताकि बेसिकली आपको सारा का सारा आइडिया लग सके। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 6 इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना 6 इज द करेक्ट आंसर, इसके बारे में आप देख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा अप्रूव किया गया, वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन डॉलर का, ठीक है, ये प्रोग्राम के, इस प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत को 500 मिलियन डॉलर की सहायता दी थी। स्टार्स प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य है भारत के अंदर जो स्कूल एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को और गवर्नेंस को बढ़ावा देना। भारत के 6 राज्यों के अंदर, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा आपका केरला, तीसरा आपका मध्य प्रदेश, चौथा आपका महाराष्ट्र, पांचवा आपका उड़ीसा और छठा आपका राजस्थान, भारत के 6 राज्यों के अंदर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। किस तरह से टीचिंग और लर्निंग की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, भारत के 6 राज्यों में विश्व बैंक के द्वारा 500 मिलियन डॉलर की सहायता से इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है, लिख लेना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में यहाँ पर सारी चीजें दी है स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में, तो ध्यान होना चाहिए स्टार्स प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस प्रकार से आप स्कूल की क्वालिटी बना सको, 6 राज्यों के नाम भी पता होना चाहिए। देखो उत्तर भारत में आप देखोगे, सबसे पहले अगर आप देखोगे राजस्थान वाला पार्ट, सबसे ऊपर से अगर आप चलते हो तो सबसे ऊपर आपका हिमाचल प्रदेश आएगा। ठीक है, फिर आपको राजस्थान और एमपी वाला पार्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके नीचे आपका महाराष्ट्र, ईस्टर्न साइड के अंदर आपका उड़ीसा और सदर्न के अंदर केरला। तो कैसे ध्यान रखोगे, साउथ वाले राज्यों में एक राज्य है केरला जो स्कूल में वैसे ही पहले आगे है, पूर्वी राज्यों में आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा, मध्य में आपको महाराष्ट्र मध्य प्रदेश देखने को मिलेंगे, थोड़ा ऊपर जाओगे तो पश्चिम में राजस्थान और उत्तर में आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। सब लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, सब लोग याद कर लीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भारत से है, ये क्वेश्चन भारत से है, अभी आपको देखने को मिलेगा। इस साल भारत में ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 निकाली गई है जो दिखाएगी कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा हैप्पी है, कौन से राज्य के लोग सबसे ज्यादा संतुष्ट है, कौन से राज्य के लोग बेसिकली जिनकी जो जीवनचर्या है वो बहुत पीसफुल आपको देखने को मिलेगी। तो ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया? गुजरात, मिजोरम, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ट्राई कीजिए सब लोग आंसर करने का, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहिए, जितना ज्यादा शेयर होगा उतना ज्यादा एनर्जी मिलेगी और उतने ज्यादा ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका आंसर होगा मिजोरम इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में आप देख लीजिए, भारत के अंदर पहली बार, ध्यान रखना भारत के अंदर पहली बार सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए एक ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 निकाली गई। इसकी ओवरऑल रैंकिंग के अंदर पहली रैंक मिली मिजोरम को, दूसरी रैंक मिली पंजाब को, तीसरा मिला आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को, और सबसे नीचे से अगर आप देखोगे सबसे नीचे आपको महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा देखने को मिलेगा जहां पर हैप्पीनेस सबसे कम है। तो आप देखोगे जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पर बिजनेस एनवायरमेंट ज्यादा है, जहां के लोग धनवान ज्यादा है, वहां बेसिकली हैप्पीनेस सबसे कम देखने को मिली है। कितनी अजीब विडंबना है, पैसा है पर हैप्पीनेस नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा हैप्पीनेस भारत में मिजोरम के अंदर देखने को मिली। इससे पहले आपने देखा होगा अगर वर्ल्ड की बात करें तो भूटान काफी इंपॉर्टेंट होता है हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले को लेकर। तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आपसे पूछा गया है, एक मिशन है, एक स्पेस मिशन है, ये बेसिकली किसको लेकर बनाया गया है? अ मिशन जिसका नाम है होप, ठीक है, हैज बीन लॉन्च्ड टू, किस पर लॉन्च किया गया है? मार्स पर, मून पर, जुपिटर पर और सन पर। कौन से ग्रह के लिए? मार्स मतलब आपका मंगल, मून मतलब आपका चंद्रमा, जुपिटर मतलब आपका बृहस्पति और सन मतलब सूर्य। तो होप नामक मिशन किस ग्रह या उपग्रह के लिए लॉन्च किया गया है या शुरू किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांसेस है इस टाइप के क्वेश्चन। ध्यान रखना, हर एक कैटेगरी कवर करूंगा, चाहे स्पेस हो, चाहे गवर्नमेंट स्कीम्स हो, चाहे प्रोग्राम हो, चाहे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हो, हर एक चीज यहाँ पर कवर करूंगा 2020 को लेकर जो भी न्यूज में रहे। इसका आंसर होगा मार्स इज द करेक्ट आंसर। सब लोग आंसर भी फटाफट से करते रहिए, सब लोगों को आंसर जल्दी से करना है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप देखोगे इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मिशन जिसका नाम है होप, ठीक है, ये बेसिकली किस पर लॉन्च किया गया था? मंगल ग्रह पर या मार्स पर लॉन्च किया गया था? किसके द्वारा? यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के द्वारा। ध्यान रखना, इसका उद्देश्य था जो पूरा का पूरा मंगल का पूरा वातावरण है, जिसको बोलते हैं मार्शियन एटमोस्फियर, ठीक है, उसकी कंप्लीट पिक्चर आपको ये पहली बार प्रोवाइड करेगा, किस प्रकार से मार्स में दिन के अंदर या मौसम में परिवर्तन होते हैं, इन सब की व्याख्या करने के लिए ये मिशन काफी इंपॉर्टेंट था। मंगल ग्रह पर यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें और भी काफी डिटेल्स आप देख सकते हो। ये लॉन्च किया गया था जुलाई 20, 2020 को। ध्यान रखना, जुलाई 20, 2020 को जापान स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। लगभग 200 मिलियन डॉलर की कॉस्ट इस पर आपको देखने को मिली थी। ये अर्ली 2021 के अंदर मार्स की ऑर्बिट के अंदर एंटर कर जाएगा। और ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अरब जगत का पहला मार्स मिशन देखने को मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा, अरब जगत का पहला मार्स मिशन अभी हाल ही में कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उस मिशन का नाम क्या होगा? उस मिशन का नाम होगा होप मिशन। और किस ग्रह को लेकर है? आपका मंगल ग्रह को लेकर देखने को मिलेगा। ज्यादा चीजें याद नहीं रहे, बट तीन चीजें तो याद रखनी है। अरब जगत का पहला मार्स मिशन यूएई ने लॉन्च किया, किसको लेकर है? मंगल को लेकर है। मिशन का नाम क्या है? होप मिशन। ये कम से कम इतना तो याद रहेगा। उसके बाद आप दिमाग लगा लोगे कि मंगल पर गया है तो मंगल में किस तरह से दिन भर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, मौसम में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, वातावरण कैसा है, उन सबकी स्टडी ये करेगा ही करेगा। सब लोगों को समझ आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताते जाइए। जितनी चीजें अपन पढ़ रहे हैं सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और काफी जल्दी होप मिशन जो आपका मार्स की ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है, आप देखोगे फरवरी 2021 के अंदर बेसिकली ये मार्स की ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और बेसिकली जापानीज स्पेस स्टेशन से इसको लॉन्च किया गया था, तो आप देख सकते हो 2021 में, फरवरी 2021 में ये एंटर कर जाएगा आपकी मार्स की ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस भी आपको दिखाइए, कितनी डिस्टेंस है? 493.5 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये याद नहीं करनी, जस्ट आपको दिखा रहा हूं कि कितनी ज्यादा डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये परियोजना भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे सर ये परियोजना क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि ये परियोजना आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखने को मिलेगी, जो एक विवादित हिस्सा है, भारत के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है आजाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर विकसित किया गया है? रावी नदी, महानदी, सोन और झेलम। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। जब मैंने आपको बता दिया कि ये परियोजना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो दो ऑप्शन तो आप बहुत इजीली रिजेक्ट कर सकते हो। अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोई चीज है तो वहां पर कौन कौन सी नदियां देखने को मिल सकती है, और इजीली अगर आप चाहो तो तीनों के तीनों ऑप्शन भी रिजेक्ट कर सकते हो। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ट्राई करेंगे सब लोग, ठीक है, सबको सारी चीजें समझ आ रही है, दैट्स गुड। शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। इसका आंसर होगा झेलम नदी। कौन सा आंसर होगा? झेलम नदी। इसके बारे में आप देखोगे पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर, ध्यान रखना ये भारत के लिहाज से क्यों दिक्कत वाली बात है, ये क्वेश्चन ऐसे ही चर्चा में नहीं है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर 700 मेगावाट, कितने मेगावाट का? 700 मेगावाट का एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट जिसका नाम है आजाद पट्टन, ठीक है, उसको लेकर साइन किया है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किसका होगा? चाइना का इन्वेस्टमेंट होगा। झेलम नदी पर यह बनाया जा रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में यह बनाया जा रहा है, इसीलिए भारत का कंसर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपको पता है इंडस रिवर ट्रीटी, आपको अगर नाम सुना हो, इंडस जल संधि या जिसको हिंदी
में बोलते हैं सिंधु जल समझौता, उसको लेकर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। सिंधु जल समझौता जो 1960 में साइन हुआ था, जब भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको पता होनी चाहिए कि 6 नदियों पर यह समझौता था। 3 वो नदियां जो पश्चिमी वाली थी वो पाकिस्तान को चली गई और 3 पूर्वी भारत के पास आ गई। आपको पता होना चाहिए सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम और इंडस। 3 वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान को है, 3 ईस्टर्न रिवर आपकी इंडिया के पास, मतलब इंडस, झेलम और चिनाब का पानी बेसिकली पाकिस्तान को था और रावी, ब्यास, सतलज का पानी इंडिया के अंदर था। तो ये सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था, तो ये नदियां बेसिकली आपको गिलगिट वाला पार्ट जो आपको पता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है, जहां से आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी पास होता है, तो वैसे ही ये काफी विवादित हिस्सा है और चाइना ने दूसरा इन्वेस्टमेंट यहां पर कर दिया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस, एक बांध भी तो बनाया है। ठीक है, बेसिकली बांध काफी सारे हैं यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रो वाले ये भी आपका बांध ही है। ठीक है, जो बांध बना हुआ है हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ये भी आपका बांध ही है। इसमें बेसिकली क्या प्रस्तुत किया जाएगा, यहाँ पर पानी रोककर बिजली बनाई जाएगी, हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, तो इट्स लाइक अ डैम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, काफी काफी छोटे छोटे डैम भी बनाए गए हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर पर भी मैंने आपको काफी सारे डैम बताए थे जो बेसिकली चाइना ने विकसित किए, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जो बेसिकली काफी ज्यादा चर्चा में आप देख पा रहे हो, ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा, इतना सा हिस्सा कहां से पास होता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास होता है। इस कॉरिडोर का नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ध्यान रखना भारत इस पर लगातार कंसर्न उठा रहा है। भारत बोलता है ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, इट्स अ वायोलेशन ऑफ अवर सॉवरेनिटी, क्योंकि जो पीओके वाला पार्ट है ये बेसिकली विवादित कश्मीर का हिस्सा है, ये बेसिकली चाइना की वो नहीं है, न चाइना का है न पाकिस्तान का, ये विवादित ढांचा है, इसमें बिना भारत की परमिशन के चाइना यहां से कॉरिडोर नहीं निकाल सकता, बट चाइना ने फिर भी निकाला है, तो भारत इस पर लगातार मुद्दा उठाता रहता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक की जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स किसके द्वारा निकाली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स आपका निकालता है आपका वर्ल्ड बैंक, इसको हिंदी में बोलते हैं, लिखा भी हुआ है मानव पूंजी सूचकांक। तो पहला क्वेश्चन, विश्व बैंक मानव पूंजी सूचकांक निकालता है, इसमें भारत की रैंक क्या है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, फटाफट से कमेंट करके बताते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 के बारे में बात कर रहा हूं, इसके बारे में आप देख सकते हो, भारत को रैंक मिली है 116, कितनी कंट्रीज में से, आउट ऑफ 174 कंट्रीज में से। तो जो मानव पूंजी सूचकांक 2020 है उसमें भारत की रैंक है 116। इसका टाइटल क्या था, ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19, कोविड-19 के दौरान मानव पूंजी, ये वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की थी। इसमें पहली पोजीशन मिली है सिंगापुर को, जिसका स्कोर है 0.88, भारत का स्कोर है 0.49। याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि मानव पूंजी सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा निकाला जाता है 2020 कितनी है, 116, कितनी कंट्रीज में से, 174 कंट्रीज में से, बस इतना ही याद रखिएगा, ज्यादा स्कोर में आपको नहीं जाना, इसको लेकर काफी सारे पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेंगे। ह्यूमन कैपिटल में बहुत सारी चीजों को लिया जाता है, ह्यूमन कैपिटल में जो आज आप देखते हो लिंग आधारित भेदभाव, जेंडर डिफरेंसेस, उसको भी कंसिडर किया जाता है, आपके यहाँ पर कितना ज्यादा ग्रोथ रेट है हेल्थ को लेकर, ठीक है, बच्चों को लेकर, आपके अलग अलग पैरामीटर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, सब चीजों को एनालिसिस यहाँ पर किया जाता है जब आपकी ह्यूमन कैपिटल निकाली जाती है। आपके पास कितनी मानव पूंजी है, कितने लोग आपके स्वस्थ है, कितने लोग बेसिकली आपके सर्वाइवल रेट को एडर करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम से कम इतना ध्यान रखिएगा, 116 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सब लोग शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन। ठीक है, वो टू आर द फर्स्ट टू कंट्रीज इन द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन टू अचीव मीजल्स एंड रूबेला एलिमिनेशन। ठीक है, आपको बताना है कि दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के अंदर खसरा और रूबेला उन्मूलन प्राप्त करने वाले
पहले दो देश कौन से हैं, ठीक है, जिनको बेसिकली पूरी तरह से खसरा और रुबेला मुक्त WHO के द्वारा घोषित कर दिया गया। ध्यान रखना, दक्षिणी पूर्वी एशिया की दो ऐसी कंट्रीज जिनको विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा खसरा और रुबेला से फ्री कर दिया गया है, मतलब बेसिकली खसरा और रुबेला पूरी तरह से वहां पर एलिमिनेट हो गया है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया एंड म्यांमार, श्रीलंका एंड इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका, मालदीव एंड म्यांमार, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है। काफी सारे लोगों ने आंसर भी कर दिया है, श्रद्धा, मृत्युंजय, रिंकी, ठीक है, आप सभी लोग काफी अच्छे से आंसर कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर, मालदीव एंड श्रीलंका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के दो देश। आप देखोगे WHO ने, ठीक है, जो WHO की साउथ ईस्ट एशिया की ब्रांच है, उन्होंने इन दोनों कंट्रीज को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, मालदीव को, श्रीलंका को, जिन्होंने बेसिकली, इनका टारगेट कब तक का था, 2023 का टारगेट था, बट अपने टारगेट से पहले ही खसरा और रुबेला को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है। तो ध्यान रखना, साउथ ईस्ट एशिया रीजन की दो कंट्री मालदीव और श्रीलंका, दोनों भारत के बेसिकली पड़ोसी देश है। मालदीव से हमारी मेरीटाइम, मेरीटाइम मतलब हमारी समुद्री सीमा साझा होती है, मालदीव से भी और आपकी श्रीलंका से भी समुद्री सीमा आपको देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखना, टारगेट तो कितना था, टारगेट तो 2023 का था, बट टारगेट से पहले ही बेसिकली इन्होंने फ्री कर दिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मीजल्स और रुबेला को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको लेकर WHO के द्वारा काफी सारे इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं। सबको समझ आ रहा होगा, आप देखोगे आधे घंटे के अंदर हमने कितनी सारी चीजें यहाँ पर सीख ली है, ठीक है। यहाँ पर मीजल्स और रुबेला को लेकर सारे के सारे फीचर्स भी दिए हुए हैं कि क्या क्या बेसिकली आपको चीजें देखने को मिल सकती है। इससे निमोनिया हो गया, डायरिया हो गया, और धीरे धीरे आप देखोगे यहाँ पर ब्रेन डैमेज भी आपको देखने, बहरापन देखने को मिल सकता है, अंधापन देखने को मिल सकता है, ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन मीजल्स और रुबेला से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली चलिए आगे, और एक और क्वेश्चन ध्यान रख सकते हैं, डॉक्टर पूनम खेत्रीपाल जो बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया रीजन की WHO की रीजनल डायरेक्टर है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग रीजन में WHO को विभक्त किया गया है, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया की जो क्षेत्रीय डायरेक्टर है उनका नाम है डॉक्टर पूनम खेत्रीपाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज फॉर्मलाइज्ड टू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन July 6, 2021, ठीक है, 6 जुलाई 2021 को किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की औपचारिकता की है, इजराइल, टर्की, USA और ब्रिटेन, और ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, ठीक है। अभी हाल ही में कौन सा देश WHO से अलग हुआ था, ट्राई करेंगे सब लोग आंसर करने का, ठीक है, और ये काफी चर्चा में रहा था, और इस कंट्री को आप वैसे भी जानते हो, ठीक है, एक ऐसे प्रेसिडेंट साहब जो बेसिकली लगातार सुर्खियों में बने रहे और अभी तक भी सुर्खियों में। आप सोचो कि बेसिकली 21 जनवरी को नए प्रेसिडेंट साहब आने वाले हैं, बट वो अभी तक भी कुछ ना कुछ चीजों के माध्यम से सुर्खियों में देखने को मिलेंगे। आंसर होगा USA इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ध्यान होना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने, USA ने बेसिकली July 6, 2021 को अपने आप को WHO से अलग कर लिया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ को लेकर ग्लोबली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ को लेकर सारे के सारे पैरामीटर्स देखता है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, और बेसिकली ये संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी के रूप में जाना जाता है। मेंबर कंट्री 194 इसमें देखने को मिलेगी। तो सब लोग डाउन कर सकते हैं, कम से कम इसके हेडक्वार्टर्स को लेकर पता होना चाहिए, इस चीज को पता होना चाहिए कि WHO आपके यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल एजेंसी है जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा सब लोग। इसके फंक्शंस क्या है, ये स्लाइड्स आपको मैं लगातार प्रोवाइड करवाता रहूंगा, तो आपके सारे फंक्शंस भी देख सकते हैं, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के स्लाइड को डाउनलोड कर सकते हैं, अभिषेक जैन सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम पर जाइएगा, अभिषेक जैन सर सर्च कर लीजिएगा, वहां पर जितनी भी मेरी क्लासेज है अकेडमी की, वाईफाई स्टडी की, उन सबकी अपडेट्स भी आपको रेगुलर मिलती रहेगी। दिन में 3 बजे भी, ध्यान रखना, दिन में 3 से 4 बजे भी मेरी वाईफाई स्टडी UPSC पर डेली करंट अफेयर्स को लेकर क्लास होती है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक मुद्दे का डिटेल डिस्कस, जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स है, PIB है, हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, सबका सटीक विश्लेषण देखने को मिलेगा। तो आप लोग जुड़ सकते हैं और बेसिकली यहाँ पर सारे के सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसके मैंने बेसिकली आपको पूरे के पूरे फंक्शंस भी यहाँ पर दे दिए, रिसर्च को लेकर है, लीडरशिप को लेकर है, अलग अलग प्रावधानों को लेकर है, पॉलिसीज को लेकर है, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फंडिंग कौन कौन देता है, ध्यान रखना यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज्यादा फंडिंग देता था, ठीक है। आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा WHO को सबसे ज्यादा फंडिंग दी जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स के हटने के बाद WHO की फंडिंग पर काफी नेगेटिवली इफेक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका NEP 2020 से, इसका नाम सब लोगों ने सुना होगा,
ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल लिख दूं एनईपी 2020 तो सब लोग पहचान जाएंगे, दिस इज अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में रही है। तो इसके माध्यम से आपको बताना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसका टारगेट था 50% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन कौन से साल तक। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा उच्च शिक्षा में जो 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य है वो कौन से साल तक पूरा करना है, 2033, 2030, 2025 और 2035। ध्यान रखना ये हायर एजुकेशन में है, आपकी जो लोअर एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन में तो 100% का टारगेट है, हायर एजुकेशन के अंदर जो आपकी उच्च शिक्षा है वहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का टारगेट कौन से साल तक रखा था। ट्राई कीजिए, सब लोग ट्राई करेंगे आंसर करने का। पूरी एनर्जी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए और लगातार शेयर करते रहिए, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। शेयर करते रहिए, ट्राई कीजिए आंसर करने का सब लोग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। यस, काफी सारे लोगों ने सी आंसर किया है बट डी इज द करेक्ट आंसर 2035 तक। ध्यान रखना सारी चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 जो किसको रिप्लेस करेगी, पहला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, 34 साल पुरानी हमारी जो पॉलिसी थी जो 1986 में बनी थी उसको रिप्लेस करके अब नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखने को मिलेगी। ये 21वीं सदी की पहली एजुकेशन पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी जो बेसिकली स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों के अंदर काफी ज्यादा बदलाव लेकर आएगी। इसके अंदर जो टारगेट था 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो ये 2035 तक है, किसको लेकर है, हायर एजुकेशन को लेकर है। नोट डाउन कर लीजिएगा, उच्च शिक्षा के अंदर जो सकल नामांकन अनुपात है वो 2035 तक 50% पहुंचाने का लक्ष्य हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति के द्वारा किया गया है। सब लोगों को ध्यान होना चाहिए इसके बारे में। देखो यहां पर सारी चीजें लिखी भी हुई है, कई लोगों को डाउट होगा यहां पर दो ईयर 2030 के बारे में और 2035 के बारे में, तो अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ध्यान रखना स्कूल एजुकेशन के अंदर हमारा टारगेट है 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का 2030 तक, लेकिन हायर एजुकेशन के अंदर यही टारगेट 100 का आधा 50 हो जाएगा और 5 साल बढ़ जाएंगे 2035 तक, क्योंकि हायर एजुकेशन के अंदर काफी दिक्कतें हैं ज्यादा से ज्यादा ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने को लेकर। तो सब लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आएगा आप देखोगे गवर्नमेंट वेबसाइट से ली गई स्लाइड से जहां पर क्लियरली मेंशन है कि हमारी नई शिक्षा नीति बोलती है कि 2030 तक तो आपकी जो स्कूली शिक्षा है उसमें 100% आप नामांकन कर दो, और बेसिकली 2035 तक जो आपकी उच्च शिक्षा है उसमें 50% तक आप नामांकन कर दीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सब लोग लिख लेंगे और इसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैंने किया हुआ है जिसको आपको 5+3+3+4 सिस्टम के बारे में जानना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर मेरा पूरा का पूरा 1 घंटे का डिटेल डिस्कशन है, उसकी वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप देख सकते हैं अभिषेक जैन सर पर। ठीक है, वहां पर बेसिकली इसकी वीडियो शेयर कर दी जाएगी ताकि आप पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन देख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसका एनालिसिस मैंने यहां पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, एक रिपोर्ट है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसको बोला जाता है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, किसके द्वारा जारी की गई है। ठीक है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, आपका वित्त मंत्रालय, आपका नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और नन ऑफ द अबव। फटाफट से आंसर करेंगे सब लोग, शेयर करते रहिए, शेयर करने में कोई भी कंजूसी ना करे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा ही मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकाली जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, सी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनका सटीक एनालिसिस, पहली चीज आप देखोगे हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसका 21वां संस्करण जारी किया गया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का। कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए, बहुत सारी चीजें इसके बारे में है बट कम से कम इतना जानिए कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। इसमें काउंसिल भी बनी हुई है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इसका सेटअप 2010 में बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया गया था। इसका काम है वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, इसकी अध्यक्षता की जाती है केंद्रीय वित्त मंत्री जी के द्वारा। तो ध्यान रखना एक काउंसिल भी है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री मतलब अभी निर्मला सीतारमन जी के द्वारा की जाती है, जो वित्तीय स्थायित्व के लिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी 2019 का आया है इसने किसको रिप्लेस किया है, किसको प्रतिस्थापित किया है, किसकी जगह पर ये एक्ट देखा गया, मतलब पुराना एक्ट कौन सा था। सब लोग ट्राई कीजिए आंसर करने का। ठीक है, सब लोग ट्राई कीजिए,
इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को किसने रिप्लेस किया है, किसने प्रतिस्थापित किया है? ठीक है, अभिजीत बोल रहे हैं आंसर बोलने के बाद, ठीक है, डेफिनेटली आपको हर एक का आंसर फुल प्रूफ यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, थोड़ा वेट कर लूंगा, पहले आप आंसर दीजिए, जल्दी आंसर करेंगे क्योंकि बेसिकली हमारे पास 45 मिनट होते हैं हर दिन, 45 मिनट में जितना ज्यादा से ज्यादा चीजें आप सीख पाए और जितना ज्यादा अपने एग्जाम के अंदर बेनिफिट ले पाए, पूरा डिटेल डिस्कशन इसका आंसर होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 2019 के अंदर जो आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया है, उस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने जो पुराना 1986 वाला था उसको रिप्लेस यहाँ पर किया है, तो ध्यान रखना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अभी लेटेस्ट हमारा आ चुका है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? आपके उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए बेसिकली यहाँ पर एक अथॉरिटी का भी स्थापना की गई है जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये क्या करेगी? आपके अधिकारों को प्रमोट करेगी, आपके अधिकारों की सुरक्षा करेगी और आपके अधिकारों का प्रवर्तन करेगी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको लेकर सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी की सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएगी ताकि आप सारी की सारी चीजों को डिटेल में यहाँ पर देख सके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोगों को दूंगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहां पर आयोजित किया जाएगा, और आपने देखा होगा कल परसों भी ये न्यूज़पेपर में था, तो आपको जस्ट इतना बताना है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कौन से राज्य में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी आपको मिल जाएगी। यस, मृत्युंजय ने बिल्कुल आंसर सही दिया था, ठीक है, ट्राई कीजिए, सुशील का आंसर सही था, ठीक है, इसका आंसर होगा गोवा इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 16 से 24 जनवरी के बीच में गोवा के अंदर आयोजित किया जाएगा, इसका 51वां संस्करण आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और इसके अंदर आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है भारत सरकार की, उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहता है, जो हमारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है उसके तत्वाधान में इसको आयोजित किया जाता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी स्कीम है घर तक फाइबर प्रोग्राम, कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च की गई, उत्तर प्रदेश, केरला, बिहार, राजस्थान, क्या नाम है? घर तक फाइबर प्रोग्राम, कि आपके घरों तक फाइबर पहुंचाया जाएगा, इसका सही आंसर आपको बता रहा हूं, एक बार ट्राई कीजिए, फटाफट से ट्राई करते जाइए, घर तक फाइबर प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ट्राई करेंगे सब लोग आंसर करने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहिए, शेयर करने में कंजूसी ना करें, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी ही मिलेगी, इसका आंसर होगा बिहार इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, घर तक फाइबर प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा बिहार के अंदर, आप देख सकते हो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, 21 सितंबर को ये लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, 21 सितंबर 2020 को ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, नाम से ही पता चल जाता है कि बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना, तो आप देखोगे मोदी जी ने बिहार में घर तक, हर घर तक फाइबर पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट सर्विसेज का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, बट ये इतना आसान नहीं है, ठीक है, और ध्यान रखना इस प्रोजेक्ट को हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि जो बेसिकली ऑनलाइन का है या डिजिटल का काम है वो सारा का सारा इसी मिनिस्ट्री के तत्वाधान में आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखना घर तक फाइबर प्रोग्राम आपका बिहार में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर देता हूँ, ये अपॉइंटमेंट को लेकर है, नए चुनाव आयुक्त के रूप में अभी किसने कार्यभार संभाला है, वो है टेकन द चार्ज एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर, अवीक सरकार, हेमंत खत्री, उषा पांडे और बेसिकली राजीव कुमार, किसने अभी नए इलेक्शन कमिश्नर के रूप में यहां पर अपना कार्यभार संभाला है, ये अपॉइंटमेंट को लेकर कुछ क्वेश्चन है, ध्यान रखना हर एक कैटेगरी यहां पर कवर करूंगा, जिस जिस कैटेगरी के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस कैटेगरी को यहां पर कवर करने का प्रयास करूंगा, और ध्यान रखना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, 45 से 50 मिनट के अंदर सारी की सारी चीजें समअप करेंगे, ठीक है, तो ट्राई कीजिए, और ये जितने भी इससे पहले मेरे पार्ट है वाईफाई स्टडी 2.0 पर सारे के सारे मेरे पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, पार्ट वन से लेकर, जो डे वन से लेकर जितनी भी मेरी अभी तक करंट अफेयर्स रिवीजन को लेकर वीडियो आई है आप सब लोग देख सकते हैं, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, जितने भी अभी रेलवेज वाले एग्जाम चल रहे हैं, अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, इसका आंसर होगा राजीव कुमार, और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप मेरी डेली करंट अफेयर की क्लास दिन में 3 से 4 बजे फॉलो कर सकते हो। राजीव कुमार साहब ने नए इलेक्शन कमिश्नर के रूप में चार्ज ग्रहण किया है, और अवीक सरकार आप देखोगे ये जो गवर्नमेंट
डिपार्टमेंट का प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, उसके चेयरमैन इनको बनाया गया है। तो अवीक सरकार बने हैं चेयरमैन किसके, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसको पीटीआई के नाम से जाना जाता है, और राजीव कुमार बने हैं नए चुनाव आयुक्त। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से और पूछता हूँ, फटाफट से आप आंसर कीजिएगा क्योंकि टाइम, ये एक्सरसाइज को लेकर क्वेश्चन है। कवकास 2020 जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो बेसिकली कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में देखने को मिली है, फटाफट से आंसर कीजिए। यस, बेसिकली भावेश ने, नितिन ने, सब लोगों ने सही आंसर किया, राजीव कुमार, अभिजीत का सही है, त्रिपाठी का सही है, मृत्युंजय का सही है, रिंकी का सही है। यस, डेफिनेटली आप सब लोगों ने सही आंसर किया, ज्यादा से ज्यादा लोग ट्राई करें आंसर करने का। कवकास 2020 के बारे में आप देख सकते हो, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, बट ये चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि भारत ने इसमें जाने से मना कर दिया, क्योंकि कवकास 2020 एक्सरसाइज जो बेसिकली रशिया में होनी थी, इसके अंदर बेसिकली जो आपकी संघाई सहयोग परिषद की जितनी भी कंट्रीज थी, जैसे कि आपका चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अदर मेंबर्स हो गए, तो बेसिकली चाइना और पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की वजह से भारत ने इस एक्सरसाइज में जाने से मना कर दिया था। तो ध्यान रखना, कवकास 2020 एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जहां पर संघाई सहयोग परिषद की कंपनीज आपको देखने को मिलेगी, कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपल है। कवकास 2020 कहां पर होनी थी आपकी, बेसिकली रशिया के अंदर होनी थी, इज द करेक्ट आंसर। बट बेसिकली यहां पर कौन पार्टिसिपेट करेगा, एससीओ की मेंबर कंट्री, एससीओ के अंदर 8 मेंबर कंट्री देखने को मिलेगी, 4 तो तान देखने को मिल जाएंगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान और बेसिकली उज्बेकिस्तान, 4 तो तान होंगे, उसके अलावा 4 कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान जो लेटेस्ट ज्वाइन किया है, ठीक है, और बेसिकली 2 हो गई आपकी चाइना और रशिया। ये 8 कंट्री आपको संघाई सहयोग परिषद में देखने को मिलेगी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो कवकास 2020 बेसिकली आपकी रशिया के अंदर, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। काफी सारे लोग चाइना आंसर कर रहे थे, चाइना आंसर गलत है, आंसर होगा आपका रशिया, ठीक है, चाइना के इन्वॉल्वमेंट की वजह से बेसिकली भारत ने जाने से मना कर दिया था, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर और भी आपसे पूछता हूँ, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग कीजिएगा। एक बुक है जो काफी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है अ प्रोमिस्ड लैंड, ठीक है, बुक का नाम क्या है, अ प्रोमिस्ड लैंड, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। विकास खन्ना, बराक ओबामा, पोप फ्रांसिस और रोमिला थापर, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, फटाफट से शेयर कर दीजिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अभिषेक जैन सर के नाम से है, टेलीग्राम पर जाइएगा, अभिषेक जैन सर सर्च कर लीजिएगा, मेरा प्रोफाइल पिक आपको दिख जाएगा, उससे जुड़ जाइएगा। मेरे जितने भी क्लासेस है, चाहे वाईफाई स्टडी को लेकर हो, ठीक है, वाईफाई स्टडी 2.0 को लेकर हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को लेकर हो, ध्यान रखना अनअकैडमी पर भी डेली जिसको भी पॉलिटी सीखनी है हर दिन 8:45 PM पर मुझसे जुड़ सकता है। कल हमने सुप्रीम कोर्ट सीखा था, वहां पर मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी पर अभिषेक कुमार जैन के नाम से अवेलेबल है, अनअकैडमी पर जाइएगा, मेरी प्रोफाइल अभिषेक कुमार जैन के नाम से मिल जाएगी, फॉलो कर दीजिएगा। वहां पर बेसिकली मेरी क्लासेस हर दिन 9:45 बजे, 9:45 से 9:10 पॉलिटी की रिविजन क्लासेस होगी, सारी की सारी पॉलिटी आपको टिप्स पर याद करवा दूंगा, तो आप बेसिकली जुड़ सकते हैं वहां पर भी 8:45 to 9:45 PM। अपडेट्स आपको सारे का सारा मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा, ठीक है। यस, डेफिनेटली बराक ओबामा इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डेफिनेटली आप देख सकते हो यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब ने, ठीक है, बेसिकली एक किताब लिखी जिसका नाम है अ प्रोमिस्ड लैंड। इस किताब में बेसिकली उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में, 2008 में जब उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था या इलेक्शन था उसके बारे में, और बेसिकली जो ओसामा बिन लादेन की डेथ हुई थी 2011 के अंदर यूएसए की फोर्सेस के बारे में, उसका सारा का सारा जिक्र इस किताब के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जो बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। काफी इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कुछ लास्ट क्वेश्चन, एक और छोटा सा, जम्मू एंड कश्मीर की जो आधिकारिक भाषा बिल 2020 आया है, तो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर की कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होगी आपको बताना है, इन चारों में से अभी वर्तमान में जो नया बिल आया है उसके अनुसार कौन कौन सी जम्मू एंड कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं या ऑफिशियल लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी। फटाफट से आंसर कर दीजिए, उर्दू, हिंदी, डोगरी और ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ट्राई करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द J&K ऑफिशियल लैंग्वेज बिल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ J&K, कौन कौन सी होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ट्राई कर लीजिए फटाफट से आंसर करने का। इससे पहले वाला क्वेश्चन त्रिपाठी, मृत्युंजय, नितिन, राकेश, बराक, ठीक है, 007, इन सब लोगों ने सही आंसर किया था। अभी सुशील का बिल्कुल सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। सारी की सारी बेसिकली आपको ऑफिशियल लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी, आप देख सकते हो अभी जो नया बिल आया है 2020 वाला, उसके अकॉर्डिंग आपका जो कश्मीरी, ठीक है, डोगरी, ठीक है, उसके अलावा हिंदी, इसके साथ साथ आपको उर्दू और इंग्लिश, ये पांचों की पांचों बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं देखने को मिलेगी। ध्यान रखना उर्दू,
ठीक है, पहले भी थी, ठीक है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कश्मीरी हो गया, डोगरी हो गया, ये पांचों की पांचों नया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, दिस इज माई रेफरल कोड जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, AKJ10, इसको बेसिकली आप अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं ताकि मेरी पर्सनल मेंटरशिप आपको मिल सके। अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस के लिए भी इस रेफरल कोड का यूज कीजिएगा, और बेसिकली अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी कैटेगरी में प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, चाहे SSC हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, किसी भी कैटेगरी का हो, इस रेफरल कोड के माध्यम से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट यहां पर मिलता रहेगा। तो सभी साथियों को शेयर करते रहिए, हर दिन 10 बजे हमारी मुलाकात होगी, ठीक है, ध्यान रखना मंडे टू सैटरडे, संडे को नहीं होगी क्लास हमारी, मंडे टू सैटरडे, कल संडे है, कल क्लास नहीं होगी, मंडे टू सैटरडे हर दिन 10 बजे वाईफाई स्टडी 2.0 पर मेरी क्लास होगी, और बेसिकली इसकी अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं जो अभी से जैन सर के नाम से अवेलेबल है, टेलीग्राम पर जाइएगा, अभिषेक जैन सर सर्च कर लीजिएगा, मेरी प्रोफाइल पिक दिख जाएगी, उससे जुड़कर सारा का सारा अपडेट्स ले सकते हैं। अनअकैडमी पर डेली मेरी क्लास 8:45 PM पर होती है, उससे आप जुड़ सकते हैं। पॉलिटी वहां पर अभी चल रहा है, जिसको पॉलिटी सीखना है, पॉलिटी का सुप्रीम कोर्ट हमारा आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद हाईकोर्ट हम स्टार्ट करेंगे, और ध्यान रखना ये सारा का सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू है, सारी की सारी जो चीजें अपन सीखते हैं वो क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल होंगे, आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सर, हैव अ ग्रेट है, ठीक है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, शुक्रिया तहे दिल से, एंड जो लोग आज पहली बार नए आए हैं उसको, उन सभी को वर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन लास्ट में देते जाऊंगा, नई वैक्सीन जिसका नाम है कोविशील्ड, ठीक है, उसको बेसिकली इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल चुकी है, और ये कोविशील्ड वैक्सीन जो बनाई गई है भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको SII के नाम से जाना जाता है, किसके सहयोग से, AstraZeneca के सहयोग से इसको बनाया गया है, ठीक है, और ध्यान रखना ये जो वैक्सीन है mRNA और DNA पर आधारित नहीं है, ये वैक्सीन आधारित है एडिनो वायरस पर, ठीक है, एडिनो वायरस है जो बेसिकली आपका सामान्य कॉमन कोल्ड का एक वायरस होता है, उसकी वीकेंड फॉर्म आपकी बॉडी के अंदर डाली जाएगी, लेकिन इसका जो जेनेटिक सीक्वेंस होती है किसके सिमिलर है, आपके कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के सिमिलर है, ताकि जब भी ये अटैक करेगा तो ये वायरस बेसिकली इसको डिस्ट्रॉय करेगा और आपके इम्यून सिस्टम को ये प्रोटेक्ट करेगा, तो दैट इज वेरी